तो वहीं शाजापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार के डिवाइडर में घुसने का मामला सामने आया है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल बताया जा रहा है। मक्सी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी तक कारण जो सामने आए हैं वो यही है कि तेज रफ्तार होने के चलते गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि 3 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल बताया जा रहा है। कार सवार, कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल है। और यहां पर रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, गाड़ी की हालत जरा आप देखिए, 3 लोगों की जान चली गई, मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। पास में एक्सीडेंट हुआ था ये, जिसमें देवास के डॉक्टर है प्रमोद जैन साहब, उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 4 लोग थे, इसमें 4ों लोग को लाया गया था। इसमें उषा जी की मृत्यु हो गई है और आशा जी की मृत्यु हो गई है और राजेंद्र जी का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। और जो डॉक्टर साहब थे प्रमोद जैन साहब, उनको इंदौर रेफर कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 1 घायल बताया जा रहा है। फिलहाल घायल की हालत कैसी है और क्या हुआ था उस वक्त, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? जी बताना चाहूंगा, ये जो परिवार है, गुना अपनी माता जी के मक्सी के पास एक टोल होता है, टोल के बाद में अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के बाद जो गाड़ी है वो डिवाइडर में जा घुसे, डिवाइडर में घुसने के कारण जो गाड़ी है वो अल्टी पल्टी खा गई। और अल्टी पल्टी खाने के दौरान ये रहा, जो गाड़ी है वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई, उसके पतंगे उड़ गए, उसमें मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, जो फिलहाल अभी घायल है, गंभीर अवस्था में घायल है। बताया जा रहा है कि उनके जो सीने पर है वो काफी गंभीर चोट लगी हो, गंभीर चोट के चलते उनको इमरजेंसी में देवास से इंदौर रात को ही रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, नाजुक हालत में है, लेकिन आए दिन तेज रफ्तार के कारण बड़े हादसे होते हैं। आखिर कब तक तेज रफ्तार पर रोक लग पाएगी, यह सवाल बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 की हालत गंभीर बनी हुई बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यह बड़ा हादसा तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने से हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 3 लोगों की मौत की बेहद दुखद खबर यह सामने आई और 1 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए आगे के हिस्से के।